नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है नगर संग्राम का। उत्तर प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं प्राइम टीवी की टीम अपने खास कार्यक्रम को लेकर सुल्तानपुर पहुंची है, जहां बीजेपी मेयर प्रत्याशी प्रवीण अग्रवाल के सहयोगी प्रदीप शुक्ला मौजूद है। वहीं जानेंगे कि क्या क्षेत्र के अहम मुद्दे हैं और अगर जनता इन्हें चुनकर भेजती है तो किन प्रमुख समस्याओं पर काम करते हुए नजर आएंगे। साथ ही जानेंगे क्षेत्र में कैसा समर्थन देखने को मिल रहा है। तो अपने खास कार्यक्रम में स्वागत करते हैं प्रवीण अग्रवाल के सहयोगी प्रदीप जी का। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम में। तो प्रवीण अग्रवाल जी मेयर पद की प्रत्याशी हैं, क्या कहना चाहेंगे? प्रवीण अग्रवाल जी हमारी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, दो बार वो इस नगर पालिका क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और प्रवीण अग्रवाल जी इस बार भी भारी अंतर से चुनाव जीतेंगे। जी प्रदीप जी, प्रवीण जी के बारे में बताएं और ये भी बताएं कि उनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई। प्रवीण अग्रवाल जी शिक्षा के बाद से ही वो ला ग्रेजुएट भी है, सुल्तानपुर नगर के उनके पिताजी और उनका पूरा परिवार एक बड़ा व्यवसायी भी है। प्रवीण जी 1996 से हमारे विश्व हिंदू परिषद के संपर्क में आए, बजरंगल के पदाधिकारी रहे, 2002 से वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रहे और 2007 में सुल्तानपुर नगर के वो नगर अध्यक्ष भी रहे। पांच बार से लगातार वो भारतीय जनता पार्टी जनपद सुल्तानपुर की जिला टीम में जिला उपाध्यक्ष है। प्रवीण जी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में इस सुल्तानपुर विधानसभा में प्रभारी के नाते भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाते हैं और चुनाव जिताते हैं। प्रवीण जी पहला चुनाव नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के पद के लिए 2007 में चुनाव लड़े और मैं आपको बता दूं कि उस समय इस नगर के बड़े व्यापारी अनूप फंडा जी, जो बाद में समाजवादी पार्टी से विधायक भी हुए, उनको उन्होंने पराजित किया था। 2012 में लगातार दूसरी बार 2012 में भारी अंतर से चुनाव जीतकर प्रवीण अग्रवाल जी ने दूसरी बार नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष का सफलतम कार्यकाल का निर्वहन किया। मैं आपको बता दूं कि 2007 से 12 और 2012 से 2017 हमारी विपरीत विचारधारा की पार्टियां उत्तर प्रदेश सरकार में थी, बसपा की सरकार थी या सपा की सरकार थी, उसके बावजूद भी हमारे प्रवीण अग्रवाल जी पूरी ही निष्पक्षता के साथ, बिना किसी दबाव के, पूरी ईमानदारी और कर्मठता के साथ, जो हमारी पार्टी का मूल मंत्र है कि अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचे, ऐसे कार्यकाल दो दो बार 2007 से 12 और 12 से 17 के कार्यकाल में नगर का सर्वांगीण विकास करने का प्रवीण जी ने पूरा प्रयास किया था। 2017 में चूंकि ये आरक्षित सीट हो गई थी, महिला सीट हो गई थी, इसलिए प्रवीण जी प्रत्याशी नहीं बने थे। हमारी पार्टी की जो जिला कोषाध्यक्षा थी बबीता जी, वो प्रत्याशी बनी थी, वो भी जीती और उन्होंने भी अपना सफलतम 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। इस बार अनारक्षित सीट है, प्रवीण जी को वो पार्टी ने पुनः प्रत्याशी बनाया है और प्रवीण जी प्रत्याशी बने हैं। चुनाव तो सुल्तानपुर की आम जनता लड़ रही है, जिस प्रकार से हम लोगों को आम जन का अपार जन समर्थन मिल रहा है, मैं कह सकता हूं कि 52% वोट अकेले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिलेगा, 48% वोट में सभी लोग रहेंगे। प्रदीप जी, प्रवीण जी भारतीय जनता पार्टी से नाता रखते हैं, कैसा अनुभव रहा अभी तक? प्रवीण जी बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हैं, प्रवीण जी बहुत ही सरल और सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं, प्रवीण जी की प्रशासनिक क्षमता बहुत अच्छी है और सबका सामंजस्य बनाकर अधिकारी कर्मचारी मिलने जुलने वाले लोग या जो भी अपना आवेदन लेके जाता है, ऐसे आम नागरिक, सबका सामंजस्य बनाकर बहुत सुंदर ढंग से कार्य करते हैं और अपने अध्यक्षीय पद पर रहते हुए
आम जन के लिए सदैव सुलभ रहते हैं। प्रवीण जी का एक बहुत बड़ा सामाजिक दायरा भी है। हमारे यहाँ सुल्तानपुर का दशहरा विश्व स्तर का दशहरा माना जाता है, दुर्गा पूजा यहाँ का। प्रवीण जी उस पूरी दुर्गा पूजा के जो दुर्गा पूजा की समिति बनी है उसमें निरंतर 15 साल से लगातार ये पदाधिकारी हैं, उपाध्यक्ष हैं दुर्गा पूजा समिति के, और पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। ऐसे सामाजिक काम बहुत से प्रवीण जी करते रहते हैं। अभी 5 वर्ष ये चेयरमैन नहीं थे, नगर पालिका अध्यक्ष पद पर नहीं थे, लेकिन कहीं लगा ही नहीं कि कोई ये नगर पालिका अध्यक्ष पद, इनके पास लोग आते थे, लोगों का समस्याएं सुनना, उनका निदान करना, उनका निराकरण करना, या किसी को कोई जरूरत पड़ी तो उसका सहयोग करना, ये सब प्रवीण जी के स्वभाव में है। प्रवीण जी सरल, सौम्य और अच्छे व्यक्ति हैं। तो प्रवीण जी जनता के बीच किस एजेंडे के साथ जा रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने लक्ष्य रखा है? नहीं, उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ है। देखिए, जब वो अध्यक्ष थे उस समय सरकारें जो थी उनका विकास से कोई लेना देना नहीं था। आज जो सरकार केंद्र और प्रदेश में है जिसका मुख्य एजेंडा है डेवलपमेंट, विकास, अब प्रवीण जी का सीधा लक्ष्य है कि हम नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में, आप लोगों ने मेरा कार्यकाल देखा है, मैं निष्पक्ष रूप से काम करता हूं और विकास करता हूं, विकास के नए आयाम उन्होंने अपने कार्यकाल में गढ़े हैं। इस बार अध्यक्ष होने के बाद चूंकि प्रदेश और केंद्र में हमारी सरकार है, हम विकास के कीर्तिमान स्थापित करेंगे, सुंदर सुल्तानपुर, सुदृढ़ सुल्तानपुर और आदर्श सुल्तानपुर नगर बनाने का काम करेंगे। तो प्रवीण जी भारतीय जनता पार्टी से मैदान में उतरे हुए हैं, और भी पार्टियां मैदान में हैं, तो अपने कंपटीशन में किसे देख रहे हैं, प्रतिद्वंदी किसे मान रहे हैं? देखिए, प्रतिद्वंदी तो कोई नहीं, जैसा मैंने कहा कि हमारी पार्टी का लक्ष्य भी है और हम लोगों का एजेंडा भी है कि हम 52% वोट, 51% वोट अकेले लेंगे, तो हम किसी को बहुत तो नहीं मानते हैं, लेकिन हाँ जो सामाजिक समीकरण बनता है उसमें सपा से हमारी प्रतिद्वंदिता होगी। सपा से मानू सैयद रहमान मानू कैंडिडेट हैं, क्योंकि वो एक बार रह चुके हैं, उनका कार्यकाल लोगों ने देखा है, ये सब पुष्टिकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, जनता इनको पसंद नहीं करती है। ये चुनाव उनाव ठीक है, लड़ रहे हैं, पार्टी लड़ा रही है, लेकिन हमारे सामने कोई भी विपक्षी दल टिकने वाला नहीं। आप जनता के बीच किस मुद्दे को लेकर उतर रहे हैं मैदान में? हम जनता के बीच सुशासन, जनता के बीच स्वच्छता, जनता के बीच पेयजल कि जो भी समस्या है, जनता के बीच विकास, ये सारे मुद्दे जो एक मौलिक मुद्दे हैं आम जन के, जो नगर में होने चाहिए, उस सारे मुद्दे को लेकर के जा रहे हैं। जहां कमी रह गई है उसको पूरा करने का प्रयास करें। तो आपकी नगर में ऐसी कौन सी बड़ी समस्याएं हैं, और अगर जनता मौका देती है तो क्या कुछ करेंगे जनता के लिए? हमारे नगर में सबसे बड़ी समस्या जाम की थी, लेकिन हमारी सांसद मेनका गांधी जी ने नगर का चौड़ीकरण, नगर के मार्गों का शुरू हो गया काम, लगभग समापन की तरफ है। दूसरा जो कूड़ा निस्तारण का है उसका एक समस्या है, उस समस्या का भी समाधान हम लोगों के एजेंडे में है, उसको हम लोग करेंगे जी। तो प्रवीण जी अभी अपने क्षेत्र की जनता के बीच जाते होंगे, उनकी समस्याएं सुनते होंगे, अपनी बात रखते होंगे, तो कैसा समर्थन अभी देखने को मिल रहा है? अपार जन समर्थन में मिल रहा है, अपार जन समर्थन मिल रहा है प्रवीण जी को, आम जनता उनको सभी वर्गों का वोट मिल रहा है। जैसे हमारी पार्टी का मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ऐसे ही प्रवीण जी चूंकि उनका कार्यकाल देखा है लोगों ने कि वो सबका काम करते हैं, तो उनको सबका विश्वास भी मिल रहा है, समाज के प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक उसका उनको समर्थन मिल रहा है। और जब वो निकलते हैं क्षेत्र में मिलने लोगों से अपने लिए वोट मांगने, तो अपार जन सैलाब उनके साथ चलता है। प्रवीण जी को जनता का नेता कहा जाता है, इसका क्या कारण है? अरे इसका मूल कारण मैंने बताया ना कि प्रवीण जी जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, छोटे से छोटे व्यक्ति से लेकर के हर व्यक्ति के साथ खड़ा होना उनका स्वभाव है। हर व्यक्ति की बात को सुनना, हर व्यक्ति की समस्या का समाधान करना, हर व्यक्ति के सुख दुख में शामिल होना, हर व्यक्ति की समस्या में कंधे से कंधा मिलाकर उसका निवारण करना, ये प्रवीण जी के स्वभाव में है, इसलिए उनको जनता का नेता माना जाता है। अगर जनता प्रवीण जी को मौका देती है तो 5 ऐसे कौन से बड़े काम होंगे जो वो कराना चाहेंगे सबसे पहले? देखिए मैम, काम तो करना ही करना है, काम गिनाया नहीं जा सकता है, लेकिन जो तत्कालिक दिखाई पड़ेगा कि नहीं यह काम सबसे ज्यादा आवश्यक है, इससे जनता का सर्वाधिक लाभ होने वाला है, वह काम पहले किया जाएगा।
आज के राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए कैसे विकास की गाथा लिखेंगे? अब आज के राजनीतिक घटनाक्रम में आपने, आप तो इतने बड़े टीवी चैनल की एंकर है, आप तो देख ही रहे हैं कि राजनीतिक घटनाक्रम तो चाहे केंद्र हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे निकाय हो, जी हर जगह राजनीतिक घटनाक्रम कमोबेश वही चल रहा है कि सारे के सारे राजनीतिक दल जो है वो केवल भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का नेता वो समस्या का समाधान करता है, लेकिन उसके बाद भी विकास के नए आयाम गढ़ता है। हम केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, निकाय में हमारी सरकार होगी, हम ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे और विकास के नए आयाम गढ़ेंगे। प्रदीप जी, मीडिया एक सशक्त माध्यम है अपनी बात कहने का, प्राइम टीवी के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? हम प्राइम टीवी के माध्यम से सुल्तानपुर नगर के सभी सम्मानित मतदाताओं को यह निवेदन करेंगे कि आपने हमारा केंद्रीय नेतृत्व की सरकार देख रहे हैं, आप हमारे प्रदेश नेतृत्व की सरकार देख रहे हैं, हम सबके लिए काम करते हैं, हमारे मन में किसी के भी प्रति कोई मनभेद मतभेद नहीं है, हम तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते हैं, हम सबके साथ सबके विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं। सुल्तानपुर नगर के सभी सम्मानित मतदाताओं से करबद्ध प्रार्थना करेंगे कि प्रवीण जी को अधिक से अधिक वोट दे करके जीत का अंतर उनका बढ़ाएं, जितने अधिक वोटों से प्रवीण जी जीतेंगे प्रदेश सरकार में, केंद्र सरकार में उनकी साख उतनी मजबूत होगी और सुल्तानपुर का वो सर्वांगीण विकास करेंगे। तो प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम नगर संग्राम में आज मुलाकात हुई सुल्तानपुर के मेयर प्रत्याशी प्रवीण अग्रवाल के सहयोगी प्रदीप शुक्ला से, जिन्होंने कहा कि अगर जनता मौका देती है तो जनता के लिए बेहतरीन काम करेंगे। बता दें, निकाय चुनाव में कुछ ही वक्त रह गया है, जिसको देखते हुए सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं, पूरे तरीके से अपनी ताकत झोंक दी है, फिर चाहे वो कोई भी पार्टी हो, दल हो, सभी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। फिलहाल नगर संग्राम में अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।